दुल्हन देखो दुल्हन गुड़िया दुल्हन दिखाई जो था कैसे लग रही पसीना से मर रही। ओ भाई भाई आप लोगों को क्या बताऊं, इतनी गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी के अंदर मैं तब से रील्स बना रही थी। कम से कम एक डेढ़ घंटा हो गया मुझे रील्स बनाने, भाई ज्यादा ही हो गया। मैंने टेम्पलो नहीं लगाया लेकिन मुझे पक्का पता है कि डेढ़ घंटे से कम तो बिल्कुल नहीं हुआ। और भाई काफी देर मुझे हो गई क्योंकि मैंने कपड़े वपड़े चेंज भी करे थे, थोड़े बहुत तैयार भी मैं हुई थी, तो मुझे काफी टाइम लग गया। अब मैं सोने जा रही हूँ लेकिन वैसे बज गए 3:30, तो सोना तो मेरे ख्याल से क्या ही होगा क्योंकि अभी हमें कपड़े वपड़े खरीदने भी जाना है और गुड़िया की शादी में जाना बयाना, तो उसके लिए भी मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया। कुछ सूझ ही नहीं रहा, मतलब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं गुड़िया के लिए क्या लूँ क्या नहीं लूँ। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, कल शादी में जाना है, मतलब कल उसके फेरे है और अभी तक मैंने कुछ सोचा ही नहीं है यार, कैसी हूँ मैं। तो ये भी सोच ही रही हूँ कि क्या करूँ, स्वानी के पापा आ जाएंगे तो जल्दी ठीक रहेगा क्योंकि शॉपिंग कर लेंगे, फिर ज़्यादा रात को भी शॉपिंग नहीं होती, मतलब ज़्यादा ही शाम हो जाती है ना, तो फिर खाने वाने का भी सिस्टम नहीं बैठता, सारा ही ख़राब हो जाता है। स्वानिक पापा से ताला नहीं लग रहा, मैंने लगाया था पहले तो मेरे से बिल्कुल नहीं लगा, तो मैंने बोला भाई आप ही लगा लो, तो बोल रहा ताला नहीं लगा सकते, एक खुद से नहीं लग रहा, चाबी पता नहीं क्या हो गया उसको ख़राब हो गया। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा बाजार जाने का लेकिन जाना पड़ेगा, कल शादी है। देखो मैंने अभी आईब्रो भी नहीं बनवाई, देख लूँगी आईब्रो पर टाइम ही लगा तो बनवाऊँगी, नहीं तो नहीं बनवाऊँगी, आईब्रो पर कुछ ज़रूरी नहीं इतना, लेकिन भाई शादी में जाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतनी बार उन्होंने इन्वाइट कर दिया, इतनी बार उन्होंने बुला लिया है और उससे ज़्यादा तो सोनम ने बुलाया मुझे, तो भाई वहाँ पर भी जाना पड़ेगा, तो देखते हैं किस किस से मिलना होता है। आ जाओ, हैरान होगी मैं तो। और गाइस मैं रवाना हो रही हूँ बयाना के लिए, बस जाने वाली हूँ भैया, यहाँ से निकल ही गई हूँ और जो मैंने कल ड्रेस ली थी वो ये है, बाद में दिखा दूँगी। ओके देखो फाइनली मैं बयाना पहुँच चुकी हूँ, एकली पहली बार आई हूँ मैं बयाना, मतलब सवाई माधोपुर से पहली बार मैं बयाना आई हूँ और एकली, पहले यहाँ पर थी उनकी ड्यूटी स्वानी के पापा की, लेकिन अब सवाई माधोपुर में है, पहले हम यहीं रहते थे, पहले की नगरी में आ चुके हैं। स्वानी का जन्मदिन हुआ था यहीं, लेकिन मुझे बस स्टैंड का नहीं पता भाई किधर जाना है मुझे, चलते हैं भाई। ऐसा लगता है यहाँ पर आना, ये है बयाना जंक्शन, ये वाली दुकान है ना, इस पे से स्वानी के पापा पान बहुत खाते थे, तब भी हम आते स्टेशन पे तो यहाँ से पान लेते थे। फिर भी बहुत हिम्मत है मुझे बयाना में, क्योंकि बयाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लगता है, पहले भी अच्छा लगता था आज भी अच्छा लगता है, और एकली मैं खूब घूमी हूँ यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन अब मैं स्वानी के पापा से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि वो क्या है, बस स्टैंड का मुझे पता नहीं है तो वो ही बताने वाले हैं ना, तो पहले पूछ लेती हूँ। गुड़िया को मैंने फ़ोन लगा दिया था, गुड़िया आने वाली थोड़ी देर में, लेकिन पता नहीं टाइम तो लगेगा। आ गया हूँ मैं, ऐसे लग रही हूँ जो भूख मांगते हैं ना कटोरा लेके जाते हैं, देखो जगह ही नहीं रही है, देखो बिल्कुल जगह नहीं है, यहाँ में भरला है कटोरी की। सावधान स्थिति में हो गई ये, हो गई भाई गुड़िया की शादी, भर लिया तो पहले इनको खाली कर लेते हैं, उसके बाद में और भरेंगे इसमें। आप लोग भी खा लो, आ जाओ नौता है चाउमीन खाई सबसे पहले। सारे रील्स हमने बना लिए हैं इंस्टाग्राम पे, तब से रील्स बनाने लग रहे हैं, इतने सारे लोग हैं देखो, इतने सारे
कल्पना, मतलब पायल, काजल, कल्पना, कितने नाम रख दिए एक मिनट में। देखो भैया, इतने सारे लोग हैं और तब से रील्स बनाने लग रहे थे। अब जा रही हूँ मैं गुड़िया के पास में, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ हूँ। मतलब मैं बोल के आई थी 5 मिनट मुझे रहना है और आधा घंटा से ज़्यादा मुझे हो गया, फिर रील्स बनाती हूँ ये सारे मेरे फैंस हैं, इन्होंने पहले मुझे फॉलो, मतलब पहले ही फॉलो कर रखा था, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला कि इन्होंने फॉलो कर रखा है। जल्दी आओ गुड़िया के पास, कितनी देर हो गई, काफी जाना हो रहा है हमारा भी। मैं लुकी से कह के आई थी 5 मिनट में लुकी। यह है गुड़िया का डेकोरेशन, मतलब सब दिखा दिया पर मैंने अभी ना दुल्हन नहीं दिखाई भाई। मैं तब से दुल्हन के पास में थी लेकिन दिखाई नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दिमाग ही काम नहीं किया, हैंग हो रहा था तब से दिमाग। ये आ गई, क्या बोले, टिकिया खा लो टिकिया। हमारी दादी, गुड़िया की दादी है, दादी ने बुलाया था मेरे को पर्सनली, दादी ने बोला था आ जाना, मेरा को सपना चौधरी बना दिया दादी ने, क्योंकि सपना चौधरी आ रही है। दूल्हा आ गया है, दूल्हा आने से पहले की गुड़िया की खबर। ओहो दुल्हन है भाई रे, भारी सरमारी, इतने भी मत शरमा यार गुड़िया, थोड़ा सा दिखा दे यार, दूल्हा को दिखाऊंगी मैं भी। देखो बारिश सर हमारी फोटो ले, अपने अपने मन में इतने खुश हो रहे सब। गुड़िया दादा खुश हो गया, गेट बंद कर दिया भाई, कहीं बाहर चल जा तू, गुड़िया है ना ऐसा ऊंची ऊंची हो, मल्लू की गेट चल के चले गए भाई, चलो कुछ देखा है और गाइस यहाँ पे गुड़िया का तेल उतारने वाली रस्म होती है ना, वो हो रही है, जो कि दूल्हा आ जाता है उसके बाद में लड़की को मंडप के नीचे कपड़े पहनाते हैं ना, और वो अपने पुराने कपड़े होते हैं उसको मंडप के ऊपर फेंक देते हैं, तो वो ही वाली रस्म यहाँ पे हो रही है। तो ये आंटी जी है तो वो तेल उतार रही है, उतार नहीं रही, वो घी चढ़ाया था अभी, अपन तो तेल को उतारते हैं और घी को चढ़ाते हैं, तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे हो रहा है भाई। दुल्हन देखो, दुल्हन गुड़िया दुल्हन दिखाई दे रहा है, कैसी लग रही, पसीना से मर रही, ओ भाई ये इधर से आए, देखिए अनी गुड़िया ये इधर से आए, नहीं वो राजपूती तू बोल रहे भाई, सही में बहुत महंगे आए होंगे गोटा पत्ती को। दुल्हन का फाइनल लुक, फाइनल लुक और सारा पीछे।
गाइस ये देखो अब बज रहे हैं रात के 12:30 और भाई यहाँ पे सारे उठ चुके हैं, मतलब जो बफर सिस्टम लगाया था वो उठा दिया, टेंट वेंट अब सब काम हटने वाले हैं। के ऊपर मुंह धोने मेयर मलुक लिए साबुन का खाता है, पानी आई देखो देख सही है ठीक है, पहले गंदे पानी से धोएंगे फिर साफ पानी से धोने वाले। और गाइस धोने के चक्कर में मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि भैया गुड़िया की फिर पड़ चुके हैं। मलुकी ने मुझे जगाया था कि रीना गुड़िया के फेरे स्टार्ट होने वाले हैं, कन्यादान कर दो, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था। उन्होंने जगाया था ना तो भैया बहुत तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि मैं वैसे ही सोई थी, ये 3 बजे तो वैसे ही सोई थी, तो फिर 4 बजे फिरे थे गुड़िया को, तो 1 घंटा में मुझे बिल्कुल चेत नहीं हुआ और मैं बढ़िया खूंटी तान के खूब सोई थी। और फिर मैं जगी थी सुबह, तभी मांग भरने वाली रस्म होती है जो मंगलसूत्र पहनती ना वो वाली रस्म, तब मैं जगी थी, जो फेरे वेरे पड़ने के बाद में ही होती है ना वो वाली रस्म। तो बस अब गुड़िया के मैं ये सोच रही थी कि ना गुड़िया के फेरे पड़ेंगे, मुझे बाद में पता चला भाई फेरे पड़ चुके हैं और मैं खुशी हो रही थी कि भैया फेरे तो मैं देख ही लूँगी, लेकिन नहीं, मेरे भाग्य में फेरे देखने था ही नहीं गुड़िया का, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओम मंगलम विष्णु भगवान मंगल मंगलम अरे आप पीछे तराजू भेजा फिर से ऐसा ही होता अदब का ऐसी पीछे अब भैया तुम्हारे बड़े बूढ़े भरे तुम्हारे तुम भरे मांग खाड़ी देखो नमकीन मांग के लेके आई इधर से बेटा ऐसे मांगते नहीं है, आपके पास है ना यहाँ से खा ली थी ना है? देखो ये क्या बोलेंगे सब, सुहानी कैसे मांगती है, गंदी बात है ना गंदी बात है ना, गंदी बात है कि नहीं है मांगना है ना। उसने वीडियो नहीं, नहीं उसने तो बनाई वीडियो, लेकिन आप ऐसे मांग के लेके आते हो अच्छी बात है गंदी बात है, गंदी बात तो फिर क्यों लेके आते हो मांग के, अच्छी लगता है नमकीन, अच्छा लगता है ऐसे मांगा तो मम्मी से मांग लेते यहाँ से, मम्मी के पास भी तो होता है नमकीन तो उधर होता है, लेकिन वो तो अपने लिए लेके आते हैं, वो तो अपने लिए लेके आते हैं ना खाने के लिए, और आप उनसे मांग के ले आते हो। गाइस आप लोगों को गुड़िया वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, बाय, राम राम।